आदाब। पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि मक्रम। 2014 से 19 के बीच में देश की माइनॉरिटी के साथ में यानी कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, और लगातार एक से बढ़कर के एक खबरें हम लोगों के सामने 2014 से 19 के बीच में आई और उस पर प्रधान सेवक पूरी तरह से खामोश बैठे रहे और एक बार भी किसी घटना के ऊपर उन्होंने बयान नहीं दिया, जिससे उन अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले गए और बीते 5 साल का जो दौर नरेंद्र मोदी सरकार का रहा वो हम लोगों के सामने है। कभी गाय के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, तो कभी 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई और लगातार इन मुद्दों में ही देश की सियासत को उलझाया गया। और अब 2019 में जब प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 5 साल का जो दौर रहा उसे नरेंद्र मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है कि उन्होंने क्या कारनामे किए हैं। पर अब उन कारनामों को पीछे छोड़ करके नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा पासा फेंका है कि जिससे जो अल्पसंख्यकों के वोट को बटोरना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई है। और खासकर जिस तरह का बयान 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने दिया, उनके बयान के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आना सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी इस बात से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक डर में जीते हैं तो उन्हें उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने अखलाक को मारा और वो चुनावी जनसभा में सबसे आगे बैठे थे। अगर पीएम मोदी सोचते हैं कि मुस्लिम डर में जीते हैं तो क्या वो उन गैंगों पर लगाम लगाएंगे जो गाय के नाम पर पहले मुस्लिमों की हत्या करते हैं, पीटते हैं और फिर वीडियो बनाकर नीचा दिखाते हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर मुस्लिम वास्तव में डर में जीता है तो क्या पीएम हमें बता सकते हैं कि 300 सांसदों में उनकी पार्टी के कितने मुस्लिम सांसद हैं जो लोकसभा के लिए चुने गए हैं। यह पाखंड और अंतर विरोधी है जिसका पीएम मोदी और उनकी पार्टी पिछले 5 सालों से प्रयोग कर रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी अगर प्रधानमंत्री कहें कि डर में हैं तो मेरी पहली उनसे सिफारिश है कि वे योगी आदित्यनाथ से कहें कि वे अली को भी मानना शुरू कर दे, मान्यता का आधार पर नहीं बल्कि देश की संस्कृति के तौर पर उसे मानना शुरू करें। दूसरा, पीएम अपनी पार्टी और अपने लोगों से कह दें और खुद भी मान लें कि मुस्लिम समुदाय के साथ अभद्रता नहीं हुई। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि इतना आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके वोट आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि पूरा माहौल तो आपने ही बनाया है। आपकी पार्टी में एक ऐसी सांसद बैठी है जिसने गॉडसे को देशभक्त कहा, जिस पर मालेगांव बम ब्लास्ट का इल्जाम है और उस बम ब्लास्ट में 6 मुसलमान शहीद हुए, तो पीएम कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं। अगर वो समझ रहे हैं कि इस तरह की बात करने से वो एक संदेश दे रहे हैं तो वो नहीं, इससे कोई संदेश नहीं जा रहा, वो एक्सपोज हो चुके हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये कोई नई बात नहीं है, उन्हें बोलने की आदत है और बोलते रहेंगे। इसी के साथ कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का दूसरा टर्म है, पिछले 5 साल में आपने अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमान का कोई विश्वास नहीं जीता, उन्हें डराने की कोशिश की गई, आपके नेताओं मंत्रियों ने पाकिस्तान चले जाओ, लव जिहाद, घर वापसी जैसे बयान दिए, क्या यह सही तरीका है विश्वास जीतने का? लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर दिल की गहराई से आपने बात की है
तो उनके विश्वास जीतिए और मंत्रियों को ऐसे बयान से रोकिए। तो वहीं फतेहपुर मस्जिद के मुफ्ती मुकारम बोले कि पीएम के इस बयान का हम स्वागत करते हैं, पीएम ने जो हम वो अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता अमल करेगी और अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई नफरत की सियासत नहीं होगी। पहले 5 साल में हमने देखा कि पीएम ने अच्छी बात की लेकिन जनता ने उस पर अमल नहीं किया। मॉब लिंचिंग, बीफ आदि के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म होता गया। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु यासुब अब्बास ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग पर पीएम मोदी का बयान स्वागत योग्य है, हमें उम्मीद है कि वह मुस्लिम समुदाय के डर को दूर करने में सफल होंगे। अब तक पार्टियों ने मुसलमानों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, मैं इस पक्ष में हूं कि मुसलमानों को उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी ने संसद में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को अब तक केवल छला गया है, वोट बैंक के लिए उन्हें भ्रम और भय में रखा गया है। शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने कहा था कि गरीबों के साथ जैसा छल हुआ वैसा ही छल देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ, दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छलावे में ऐसा भ्रमित और भयभीत रखा गया है, उससे अच्छा होता कि माइनॉरिटी की शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता की जाती। 2019 में आपसे अपेक्षा करने आया हूं कि हमें इस छल को भी छेदना है, हमें विश्वास जीतना है अपने अल्पसंख्यक भाइयों का। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आना नरेंद्र मोदी के बयान के बाद शुरू हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यक वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है या मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है या वो मुसलमानों के दिल से वो डर को दूर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पर उन बातों का जवाब दीजिए जो बीते 5 सालों में गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या की गई, मुसलमानों को पीटते हुए उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल करके एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर आप कुछ क्यों नहीं बोले। और तो और जो आपकी पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद हैं वो लगातार मुसलमानों को लेकर के अभद्रता वाली भाषा बोलते रहे और कुछ तो ऐसे हैं कि मिनट मिनट पर दाढ़ी और टोपी देख करके ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुल्लो पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों की असली जगह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। नरेंद्र मोदी ने उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई, उन लोगों के बयान पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक ज्यादा करने लगेंगे तो उनके हाथ से उनके वोट बैंक जो हैं वो छूट जाएंगे। पर जो दोहरा रवैया नरेंद्र मोदी जी ने कल दिखाया वो वाकई लोगों की आंखों में खटक भी रहा है, तो कुछ लोग उनके इस बयान का स्वागत भी कर रहे हैं और लोगों को वो खटक इसलिए रहा है कि लगातार जो बीते 5 सालों में दौर रहा उस दौर के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल भी अपनी जुबान नहीं खोली और दिखाई दिया, तो सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ में कई सालों से छल हो रहा है और उस छल को हम लोगों को छेदना है। पर उन लोगों पर नरेंद्र मोदी जी लगाम भी लगाना जरूरी है जो मुसलमानों को देख करके अभद्र भाषा का आपके सांसद इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं और जो गौ गुंडे हैं उन लोगों पर देश में लगाम लगाना बहुत जरूरी हो चला है, क्यों अगर आप ही लगाम नहीं लगाएंगे तो इनके हौसले और बुलंद होंगे और देश में जो एकता का मैसेज आपने देने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं दूर आकर के खड़ा हो जाएगा। तो लगातार हर मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए आए हैं और हर मुद्दे को बेबाकी से दुनिया के सामने रखा है। इस बार भी मोदी
कि इस बयान के बाद उन्होंने अपनी बयान को रखा और साफ तौर पर कह दिया है कि ये पाखंड भरा चेहरा नरेंद्र मोदी का अल्पसंख्यकों को लेकर के जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आकर के खड़ा हो गया है। तो इस बयान को सोशल मीडिया पर और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से परोस रहा है कि देश में जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्हीं लोगों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया है। पर नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक को देखते हुए इस तरीके का बयान दिए, पर उनके बयान पर कोई चर्चा नहीं और चर्चा हो रही है तो उन लोगों की मुखालफत करने में मीडिया लगा हुआ है जो नरेंद्र मोदी के इस बयान के ऊपर उन आरोपों को सामने रख रहे हैं जो बीते 5 सालों में हुए हैं। तो वो भले ही अपना दोहरा रवैया दिखाएं, पर हम आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।